Hello, I am Shivani. Welcome to my channel Shine With Me. So today I am going to share a CTM routine. CTM ek skin care routine hai. CTM means cleansing, toning and moisturizing. Ye hamari skin ke liye bahut hi healthy rehta hai. Agar hame apni skin healthy rakhni hai to hame ye karna hi padta hai. Lagbhag face wash to roz sabhi karte hain aur cream moisturizer bhi sab log use karte hain. बट टोनिंग भी इम्पोर्टेंट होती है हमारी स्किन के लिए. टोनिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है ये जानना है तो पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और हाँ अपने एक दो फ्रेंड से शेयर भी कर दें. सो, हम बात कर रहे थे कि हमें टोनिंग क्यों करनी होती है. टोनिंग इसलिए करनी होती है कि हमारी स्किन में जो पोर्स होते हैं वो हम जब भी क्लिनजिंग करते हैं अपनी स्किन की या फेस वॉश करते हैं तो वो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं. तो हमें टोनिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका टोनर किस कंपनी का है. तो आजकल तो टोनर भी बहुत ज्यादा हार्मफुल आ रहे हैं जिसमें अल्कोहल मिक्स रहता है. तो आप कोई भी अच्छा सा टोनर देख लें जिसके अंदर केमिकल या अल्कोहल ना हो. एंड देन अगर आप टोनर यूज करते हैं तो आपके जितने भी पोर्स होते हैं वो इमिडिएटली हाइड हो जाते हैं और आपकी स्किन को एक अलग सा ग्लो देते हैं. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टोनर ना यूज करके एस्ट्रीजेंट यूज करें. और अगर ड्राई और सेंसिटिव है तो आप टोनर यूज करें. एक्ने प्रोन स्किन है तो वो भी एस्ट्रीजेंट यूज करें. अच्छा स्किन केयर रूटीन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए तो जिसमें मैं यूज करूंगी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट जो कि purplle.com साइट पे अवेलेबल होते हैं और विदाउट सल्फेट और क्रुएल्टी फ्री होते हैं. उसके अंदर कोई पैराबीन नहीं होता है. तो आप मेकअप करो ना करो सीटीएम रूटीन जो है हमारा स्किन केयर का बेसिक रूटीन है वो हर किसी को फॉलो करना होता है. अगर आपको अपनी स्किन से प्यार है, अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपनी स्किन का ग्लो बरकरार रखना चाहते हैं, कितनी भी एज हो जाए आपकी स्किन हेल्दी रहे ऐसा चाहते हैं तो आपको सीटीएम तो करना ही पड़ेगा. क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा फाउंडेशन लगा के रखा है I have to remove this. So मैं use करूंगी color bar का makeup remover wipes जो कि ऐसा है. आप चाहें तो कोई cleanser भी use कर सकते हैं but अभी फिलहाल मेरा cleanser खत्म हो रहा है so I can use this. Good vibes का orange blossom illuminating foaming face wash जो कि यहाँ पे इसमें लिखा भी हुआ है no parabens, no sulfate, no mineral oil and cruelty free. और इसका net volume है 150 ml एंड इसका प्राइस है 215. बट मैं आपको बता दूं ये ऑफर में हमेशा सस्ता ही ऑफर ही चलते रहते हैं purplle.com साइट पे एंड आपको ये 215 का तो नहीं मिलेगा, इससे कम का ही मिलेगा. और जब मैंने ये लिया था तो मैंने ऑरेंज का एंड लेमन का दोनों लिए थे जिसमें 50% ऑफ था तो बाय वन गेट वन फ्री था तो मैंने दोनों ले लिए थे. इसी प्राइस में मुझे दोनों मिल गए. And second is toner, which is Good Vibes Lavender Soothing Face Mist, no parabens, no sulfate, cruelty free, and इसका net volume है 50 ml, इसका price है 150, but ये भी मुझे offer में बहुत सस्ता मिल गया था. And third is moisturizer होता है ना तो Good Vibes का coconut brightening face cream, इसका net इसका weight है 50 gram and इसका प्राइस तो नहीं है इस पे प्राइस ये भी हाँ 225 बट ये भी ऑफर में आपको कम का ही मिलेगा. स्टार्ट करते हैं स्किन केयर रूटीन सीटीएम. सबसे पहले आपको अपने सारे बालों को बांधना होगा, टाइट करना होगा, देन वी कैन कंटिन्यू. देन आपको अपना मेकअप रिमूव जो कि मैं कलर बार से के मेकअप रिमूवर वाइप से करने वाली हूं.
see. Sara makeup nikal gaya. This is my original skin. So, makeup remove karne ke baad हमें फेस वॉश करना है तो अब हम यूज करेंगे फेस वॉश जो कि है गुड वाइब्स का ऑरेंज ब्लॉसम क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूं ना वीडियो तो ये क्लियर नहीं आएगा लास्ट में मैं इसकी पिक डाल दूंगी तो जब आपका फेस वॉश हो जाए तो या तो आप वाटर से क्लीन कर लें वरना एक दूसरा टिश्यू लेके उससे भी क्लीन कर सकते हैं And after that, हम टोनर यूज करेंगे सो अरे ये ओपन क्यों नहीं हो रहा हो गया अच्छे से टोनर को यूज करने के बाद आप डैब डैब करके अपनी स्किन पे डैब डैब करें जिससे कि टोनर आपकी स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए तो मेरा टोनर जो है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है नाउ आई कैन अप्लाई द मॉइस्चराइजर जो कि है गुड वाइब्स का कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे होते हैं स्मेल भी और अपनी क्रीम को आप डे में जरूरी नहीं है कि कोई मॉइस्चराइजर ही लगाएं कोई सनस्क्रीन कोई भी डे क्रीम यूज कर सकते हैं नाइट में कोई भी नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं सीटीएम आपको दिन में दो बार जरूर करना चाहिए एक तो मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं तब और एक रात को सोने से पहले जैसे मेकअप रिमूव करना बहुत जरूरी होता है उसी तरीके से हमारा सीटीएम करना जरूरी होता है अगर हम अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं हमारी स्किन की क्वालिटी अच्छी रहे तो हमें सीटीएम करना होगा तो गाइस ये था मेरा सीटीएम रूटीन जो कि बहुत ही बेसिक से प्रोडक्ट से था
एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं. आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो ना बना के दूसरे टॉपिक्स पे बनाऊं तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं. एंड क्या आप CTM रूटीन फॉलो करते हैं? अगर हाँ तो भी मुझे कमेंट करें, और नहीं करते अब से करने वाले हैं तो भी मुझे कमेंट करें. और आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और दूसरे प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेके आऊं आप लोगों के लिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं. जब तक आप लोगों की बात मुझ तक नहीं पहुंचेगी तो मैं कैसे बताऊंगी. एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. बाय बाय. मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो के साथ.